इसी बीच इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दी। नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है, गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा, ये नीतीश कुमार का कहना है। इतना ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने तो कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ध्यान ही नहीं दे रही। 5 राज्यों के चुनावों में इस समय कांग्रेस व्यस्त है, लेकिन इंडी गठबंधन पे कोई ध्यान नहीं है। आप ये समझिए इंडी गठबंधन में किस तरह से अभी से ही फूट की तस्वीर नजर आती है। हाल ही में हमने मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक अलग अनबन देखी थी। उसके अलावा भी अब देखिए एक और बार नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान कर देता है और उस बात पे मुहर भी लगा देता है, उस खबर पे मुहर लगा देता है जो टाइम्स ऑफ भारत ने आपको दिखाई थी। अब नीतीश कुमार ने कहा कि इंडी गठबंधन में कुछ काम नहीं हो रहा, क्या कहना है सुनिए। दलों के साथ जो बातचीत की हम लोगों ने भी और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इससे मुक्ति पाना है तो इसलिए सब एकजुट होकर के करिए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई ये सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनौवा होगा उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आज करू कभी कोई चर्चा नहीं करी, तो चलिए जो कुछ भी होता है हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज है शासन उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा, लेकिन आप लोगों ने आप समझ लीजिए कि आज बैठक बुलाए हैं। आप भाजपा वाला तो कर ही रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करने की कोशिश कर रहा है। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है।